हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि शीट मास्क होता क्या है, शीट मास्क को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, शीट मास्क लगाने का फ़ायदा क्या है, क्या शीट मास्क लगाना ज़रूरी होता है और शीट मास्क कितनी तरह के होते हैं और कौन सी स्किन टाइप को कौन सा वाला शीट मास्क लगाना चाहिए है। इस वीडियो में मैं गुड वाइब्स के शीट मास्क आपको दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ये शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। प्लस बाय चांस आज पर्पल की वेबसाइट पर सेल भी लगी हुई है, 7 शीट मास्क के साथ 7 शीट मास्क फ्री हैं, तो आपको एक शीट मास्क आधे प्राइस का पड़ेगा। इस हिसाब से आपको 350 रुपीज़ में पूरा का पूरा रेंज मिल जाएगा, 14 के 14 शीट मास्क मिल जाएंगे, विच इज़ रियली अफोर्डेबल। इतना सस्ता कोई भी शीट मास्क मार्केट में ईजिली नहीं मिलता है। प्लस गुड वाइब्स के शीट मास्क की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इन शीट मास्क के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद नेम्स प्रोवाइड करूँगी, नाम के साथ में, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ लिखा होगा। मेरी वीडियो के टाइटल को क्लिक कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिखेगा, आपको सारे शीट मास्क के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप फिर वहाँ से शीट मास्क को खरीद सकते हैं, जो भी बेस्ट सेल प्राइस है जो इस टाइम पर अवेलेबल है 7 के साथ 7 फ्री वाला, वो आपको उन लिंक्स के थ्रू मिल जाएगा। तो अगर आप आज के दिन लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ने वाला है। ऑलरेडी ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 99 रुपीज़ का एक शीट मास्क है, अंडर ₹100 है, और अगर आपको 7 के साथ 7 ही फ्री मिलने वाले हैं तो आपको ये सिर्फ 50 रुपीज़ का एक पड़ेगा, विच इज़ डेफिनेटली अफोर्डेबल। मैं आई एम स्ट नाम की लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ये वाली लिपस्टिक का कलर भी मुझे बहुत पसंद है, एनी शील्डर, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा पिंकी और पीची मिक्स सा न्यूट कलर है ये, और बहुत अफोर्डेबल लिपस्टिक है, 150 के अंडर आ जाती है, मैट है, नॉन ट्रांसफ़र है, स्टिकी नहीं है, बहुत कम्फर्टेबल है। हाँ, उतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बट अदर देन दैट इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले तो शीट मास्क होता क्या है। शीट मास्क इज़ बेसिकली अ लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि बिना शीट मास्क के आपका चलेगा नहीं, बट अगर आप शीट मास्क को कभी कभी यूज़ करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आप हफ्ते में 2 दिन यूज़ करते हैं, तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी, सूद हो जाएगी, एंड आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और अच्छा फील होगा। दिस इज़ अ लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाता है, बट आपकी स्किन को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा होता है, साथ ही में स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, स्किन के अंदर तक जाता है, डीपली स्किन के टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, इन अ लॉन्ग रन आपको यूथफुल, यंग लुकिंग, फ्री और ग्लोइंग स्किन प्रोवाइड करता है। ऑल्सो अगर आप मेकअप करते हैं, मेकअप करने के पहले अगर आपने शीट मास्क लगा लिया है, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ पार्टी और समथिंग, तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है एंड आपका मेकअप एफर्टलेसली बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्लाइड होता है, बिल्कुल केकी नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, रेडियंट और नेचुरल लुकिंग लगता है आपका मेकअप। एंड शीट मास्क इस तरह से दिखता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज लेमन शीट मास्क, स्पेशली सूटेबल फॉर ऑयली स्किन, एंड वैसे सभी स्किन टाइप्स को ये सूट करेगा, ब्राइटन अप करने को स्किन के लिए हेल्पफुल होता है, टोन अप कर देता है स्किन को बहुत ही अच्छे से, मॉइस्चराइज भी करता है और रिफ्रेश करता है। तो एक सिरम होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सब्सटेंस होता है इस पैकेट के अंदर, और वो सारा का सारा सिरम आपका इस शीट में होता है। ये शीट मास्क को आप ओपन करेंगे, ये आपके फेस के शेप में होगा, एंड जस्ट आपको इसको अपने साफ चेहरे पर लगाना है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ रात के टाइम लगाना, सोने के पहले। जिस दिन आप शीट मास्क को लगा रहे हो उस दिन आपको बाकी का अपना पूरा स्किन केयर रूटीन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इट्स जस्ट दैट कि आप पहले चेहरे को धो लीजिए फेस वॉश से, फिर आप अगर टोनर यूज़ करते हैं तो एक टोनर का इस्तेमाल कर लीजिए। आपने टोनर लगा लिया, उसके बाद आप इस शीट मास्क को लगा सकते हैं। देखिए, इट इज़ ऑल्सो फन, लाइक आई यूजली अप्लाई माई शीट मास्क विद माई मॉम, समटाइम्स विद माई भाभी एज वेल, एंड अच्छा लगता है, मस्ती करते हैं हम लोग भूत बन के ऐसे। 10 to 15 minutes हो चुके हैं मुझे शीट मास्क को लगाए हुए, तो इसे जस्ट ऐसे करके आपको पील ऑफ कर लेना है, एंड शीट मास्क में बहुत सारा सोल्यूशन जैसे बच जाता है। सो व्हाट आई लाइक इज़ कि अपने हाथ पे इस तरह से मैं लगा लूँ, या फिर बेस्ट इज़ कि मैं अपने पैरों पर इसको अच्छे से लगा लेती हूँ, तो मेरे पैर भी मॉइस्चराइज हो जाते हैं एंड जो भी सोल्यूशन है वो वेस्ट नहीं होता है, एंड स्किन अब एकदम से इल्यूमिनेटेड फील कर रही है। ये ग्रीजी नहीं है, ऑयली नहीं है, अच्छा है। इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो गई है। ज़रा सा आप इसको अपने हाथों से स्किन में ब्लेंड भी कर सकते हैं चाहें तो, एंड दैट्स इट। इतना आसान है शीट मास्क को इस्तेमाल करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा शीट मास्क कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल होता है। वैसे तो सभी शीट मास्क सभी स्किन टाइप के लिए सूटेबल रहते हैं,
बट फिर भी कुछ शीट मास्क कुछ स्पेसिफिक स्किन टाइप्स के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे मेरे पास है लेमन वाला शीट मास्क, ब्राइटन अप करने में हेल्प करता है स्किन को एंड स्पेशली ऑयली स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। देन आई हैव दिस पोमीग्रेनेट शीट मास्क जो है ये आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। हार्मफुल यूवी रेज होती हैं जो सन की, अगर उससे डैमेज हो गई है स्किन तो उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है एंड डेफिनेटली ये सभी स्किन टाइप्स के लिए फिर सूटेबल है। जो लोग ज़्यादा बाहर जाते हैं वो पोमीग्रेनेट वाला लगा सकते हैं। राइस ब्राइटनिंग शीट मास्क डेफिनेटली माई फेवरेट। राइस से स्किन बहुत ही ज़्यादा इल्यूमिनेट हो जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है, इवन हो जाती है, तो मुझे राइस के फेस पैक्स, राइस की क्रीम्स, राइस शीट मास्क बहुत ज़्यादा पसंद है। ये ड्राई और अनइवन स्किन के लिए है, रफ और डल स्किन के लिए है। इवन बींग ऑयली स्किन पर्सन आई लव राइस वाले शीट मास्क। देन आई हैव दिस गुड वाइब्स का टी ट्री शीट मास्क। टी ट्री ऑयल जिन लोगों को भी पिम्पल्स एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनके लिए बहुत अच्छा है, ब्लैक किड्स के लिए भी अच्छा है और साथ ही में स्किन को ग्लो देने के लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए टी ट्री मास्क बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तब भी आपको पिम्पल्स वगैरह तो आप टी ट्री मास्क को ट्राई आउट ज़रूर कर सकते हैं। देन वी हैव क्यूक्यूम्बर शीट मास्क। स्पेशली गर्मियों में इतना ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड अच्छा फील होता है, तो आई पर्सनली लव क्यूक्यूम्बर शीट मास्क एंड मेरे हिसाब से ये सभी स्किन्स के लिए सूटेबल है और स्ट्रेस्ड आउट स्किन के लिए, थकी हुई स्किन के लिए, इरिटेटेड स्किन के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन को सूद कर देता है, काम कर देता है, सारी थकावट को मिटा देता है क्यूक्यूम्बर शीट मास्क। देन वी हैव लेवेंडर शीट मास्क। ड्राई स्किन वालों को बहुत ही ज़्यादा सूट करता है लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, तो लेवेंडर शीट मास्क भी इसलिए सूट करता है। इट इज़ ग्रेट फॉर मच्योर स्किन, इट इज़ ग्रेट फॉर स्ट्रेस्ड आउट स्किन एज वेल एंड ऑलमोस्ट सभी स्किन टाइप्स को ये सूट करेगा, बट स्पेशली ये फिटीक स्किन को, थकी हुई स्किन को हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। देन वी हैव गॉट दिस स्ट्रॉबेरी शीट मास्क। स्ट्रॉबेरी शीट मास्क बहुत ही ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट रिच होता है, बिकॉज स्ट्रॉबेरीज आर रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स, तो एंटी रिंकल यंग लुकिंग ग्लोइंग स्किन के लिए स्ट्रॉबेरीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं एंड ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जिन लोगों को भी एक्ने पिंपल्स वगैरह रहते हैं तो स्ट्रॉबेरी वाला वो ट्राई आउट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली इट इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एज वेल। देन आई हैव दिस वाइट टी शीट मास्क। ग्रीन टी के बारे में सभी जानते हैं बट ट्रस्ट मी वाइट टी मुझे ग्रीन टी से भी ज़्यादा अच्छा लगता है व्हेन इट कम्स टू शीट मास्क। बहुत ही ज़्यादा स्किन को हाइड्रेट करने में ये हेल्प करता है एंड यंग स्किन देता है एंड ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डैमेजेस और ये सभी स्किन टोन्स के लिए क्यूरेट किया गया है एंड इट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड फॉर ड्राई स्किन। ओके, देन वी हैव दिस कोरियन जिनसेंग मास्क एंड ये वाला जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। ये आई थिंक जिनसेंग अदरक होती है या फिर शायद हल्दी होती है, तो इसलिए ना शीट मास्क भी थोड़ा सा येल्लो इन कलर हो सकता है और ये वाला आपको टायर्ड और डल स्किन के लिए रिकमेंड किया गया है। Then we have this rose moisturizing sheet mask, which is definitely my personal favorite. मुझे roses बहुत ज़्यादा पसंद हैं and I love the fragrance of rose. मुझे बहुत ज़्यादा relaxation feel होता है, मुझे मतलब like मेरा mind बहुत ज़्यादा relax हो जाता है, मैं calm हो जाती हूँ, soothe हो जाता है, like I love roses की fragrance and good vibes की rose वाली fragrance काफ़ी अच्छी है, very much pure and at a really affordable price काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगती है। So definitely rose is my favorite and ये स्पेशली ड्राई स्किन के लिए रिकमेंडेड होता है। इवन दो आई डू नॉट हैव ड्राई स्किन आई लव roses एंड roses के सभी प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, सो आई डेफिनेटली यूज इट अ लॉट। सो आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोस को देखते रहने के लिए। सभी शीट मास्क के लिंक्स और मेरी लिपस्टिक का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के टाइटल को क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लू लिंक्स दिखेंगे, उन्हें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं, वहीं से आप इन शीट मास्क को खरीद सकते हैं बेस्ट अवेलेबल सेल प्राइस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।